हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज हम लाए हैं एक नया प्रोडक्ट जो कि हमने फ्लिपकार्ट से बाई किया है। ये है कि मोबाइल स्टैंड, जो कि हम बाइक में मोबाइल होल्डर भी बोल सकते हैं इसको। हमने ये बाई किया है तो ओपन कर रहे हैं। ये फ्रेंड्स हमें पड़ा है 380 रुपीज़ का, 380 385 ऐसे आ जाता है। तो ये फुल्ली मेटल बॉडी है। अभी इसको ओपन करके देखते हैं कि कैसा क्या निकलता है इसमें। इसके साथ कुछ मेन्यू कार्ड, स्टिकर और एक 5 mm की एलंकी निकलती है। तो ये कुछ ग्रिप है इसकी, ये स्टिकर हैं, ये ट्यूब टाइप की है, हैंडल को ग्रिप बोल देते हैं। ये 5 mm की एलंकी है और ये हमारा मोबाइल होल्डर या मोबाइल स्टैंड बोलते हैं। ये चार्जिंग के साथ आता है, फुल्ली मेटल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। बाकी हम इसको इंस्टॉल करेंगे तभी पता चलेगा क्या वर्क है इसका। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से एडजस्ट होता है, हम इसको कितना भी एडजस्ट कर सकते हैं, कैसा भी हम इसमें मोबाइल लगा सकते हैं, चाहे वो कितना ही भी हो। टैब टाइप का छोड़ के हम नॉर्मली कोई भी जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है वो हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और ग्रिप काफ़ी अच्छी है। इसके साथ एक चार्जिंग पोर्ट आ जाता है, लेकिन वो ग्लू से चिपकाया हुआ है वैसे ही। और ये स्टिकर फ्रेंड्स लगभग इसके साइड में जो कॉर्नर है इधर लगेंगे, ताकि मोबाइल जो हम इसमें इंस्टॉल करते हैं तो स्क्रैच ना हो मोबाइल के। काफ़ी कटे हुए हैं, इनकी शेप बनी है स्टिकरों के, दो रख दे रखे हैं, तो वो भी हम इसमें इंस्टॉल करके देखेंगे। स्क्रू काफ़ी टाइट है, खुल नहीं रहा ढंग से, तो इसमें थोड़ा इंस्टॉल करें। ये एलंकी है 5 mm की और ये 360 रोटेशन होता है, ऊपर नीचे नहीं होगा। इसको इंस्टॉल कर इस हिसाब से करना होगा कि ये ऊपर नीचे की ज़रूरत ना पड़े। और ये रबड़ इसका इस तरह से ट्यूब लगती है, ट्यूब टाइप है। ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, सॉकेट के साथ आता है, जो कि अभी BS6 बाइकों में चार्जिंग पोर्ट आता है, तो ये सॉकेट उसमें आसानी से लग जाएगी। चार्जिंग पोर्ट की हटा के ये वाले लगाना चाहते हैं तो आप 12 वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट पर ये वर्क करेगा फ्रेंड्स। अब हम इसमें स्टिकर इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर ग्रिप होगी, तो इसमें कुछ दे रखे हैं स्टिकर, वो हम निकाल लेते हैं। हम लगाएंगे इसको FZ में, वो भी इंस्टॉलेशन की वीडियो जल्दी आपके पास आएगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की जो नॉलेज वाली वीडियो आती हैं इंस्टॉलेशन की, या बाइक रिपेयरिंग या कुछ भी बाइक जो बाइक राइडिंग के रिलेटेड, या बाइक के टूल्स, बाइक की जो हम मैकेनिक कह देते हैं कि बाइक में जो काम होता है आप घर पर आसानी से कर सकते हो वीडियो देख के। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बाइक की प्रॉब्लम के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारा जो इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे रखा, उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। तो हमने दो ग्रिप लगा दी है और कुछ इसके नीचे भी लगाएंगे, ताकि बाइक में जब हम मोबाइल इंस्टॉल करें तो नीचे स्क्रैच ना हो। और दो यहाँ की दे रखी है, एक एक्स्ट्रा दी है, कभी ख़राब हो जाए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स ये आसानी से सेट हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें जब मोबाइल ऊपर से इंस्टॉल करेंगे तो काफ़ी स्क्रैचिंग यानी कि टाइटली अंदर फिट होगा, और उसको टाइट करेंगे तो ये जो ये हिस्से हैं जो मोबाइल को ग्रिप करते हैं, पकड़ते हैं, ये वाले काफ़ी हार्ड हो जाते हैं अगर इसमें ये नहीं लगाएं तो। इसलिए इसमें लगाना ज़रूरी हो जाता है ये ग्रिप। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही प्रोडक्ट का रिव्यू भी हम आपको देंगे यूज करके। हमने इसको पहले भी मंगाया था, लेकिन वो दूसरे वाला था, वो हैंडल जो हमारा हैंडल के ऊपर साइड ग्लास होते हैं उनमें
अटैच होता था, ये वाला डायरेक्ट हैंडल में फिट होगा, लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं होगा, आपको एक ही डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसको आप आसानी से परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर, आपको इसका लिंक बायो में मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से आपको अटैच करना है कि ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता, 360 डिग्री गोल घूम सकता है। तो इस तरीके से आपको अटैच करना है कि मोबाइल की जो स्क्रीन है वो आपको आपके फेस के सामने हो। कहीं सेट कर देते हैं एकदम फ्लैट में, तो वो जब आप बाइक चलाएंगे तो स्क्रीन अच्छे से नहीं दिखेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सेट करना स्क्रीन अच्छे से दिखे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।